आडनू कुचामन सिटी मकराना सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। इससे क्षेत्र में सर्दी एक बार फिर से बढ़ गई है, जिसका आम जनजीवन पर खासा असर देखने को मिला। वहीं मेगा हाईवे पर भी धुंध की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। नागौर की डिडवाना लाडनू कुचावन सिटी मकराना सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। जिसका आम जनजीवन पर खासा असर देखने को मिला। वहीं मेगा हाईवे पर भी धुंध की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। नागौर के डिडवाना लाडनू कुचामन सिटी मकराना सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार से ही घना कोहरा छा रहा है। इस क्षेत्र में सर्दी एक बार फिर अपना असर दिखाने लग गई है, जिसका आम जनजीवन पर खासा असर देखने को मिला। वहीं मेगा हाईवे पर भी धुंध की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। नागौर की डिडवाना लाडनू कुचामन सिटी मकराना सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। इससे क्षेत्र में सर्दी एक बार फिर से बढ़ गई है, जिसका आम जनजीवन पर खासा असर देखने को मिला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए डिडवाना से संवाददाता नरपत जोया मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। नरपत, आपसे जानना चाहेंगे, बात यहाँ पर मौसम की जाए तो लगातार एक बार फिर से अब सर्दी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में डिडवाना में किस तरीके से लोग सर्दी से बचाव के उपाय करते नजर आ रहे हैं, फसलों को क्या कुछ नुकसान और फायदा से देखने को मिल रहा है? देखिए, आज आज सुबह से ही मौसम में बदलाव आया है और 2 दिन पहले जहां तक हल्का हल्का गर्मी का एहसास हो रहा था और ठंड में गिरावट आई थी, लेकिन आज अल सुबह जब घना कोहरा छाया तो उसके बाद से सर्दी है जो अचानक बढ़ी है, उसकी वजह से लोग एक बार फिर गर्म कपड़े पहनने के साथ साथ अलाव तापते नजर आ रहे हैं। डिडवाना सहित आसपास के क्षेत्र में घना कोहरा आज सुबह 5 बजे से छाना शुरू हुआ था, जो अब तक छाया है और अब तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाए हैं। मेगा हाईवे है डिडवाना से निकलने वाला किशनगढ़ रतनगढ़ मेगा हाईवे, उस पर जो है विजिबिलिटी काफी कम है। स्पीड से कम विजिबिलिटी के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर छोटे वाहन चालक है जो बाइक सवार है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम है, हादसों की आशंका रहती है, तो ऐसे वाहन चालक भी फूंकों पर कदम रख रहे हैं। एक बार सर्दी यूं कहे तो सर्दी एक बार फिर लौट आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कौन?